नमस्कार, मैं अदिति आप सभी का हुजूर्स किचन में स्वागत करती हूँ। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है आलू के परांठे की, पर हमने यहाँ पे बिना उबाले हुए आलू के परांठे बनाए हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है इसकी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी देखते हैं, उससे पहले उसके इन्ग्रीडियंट्स नोट कर लें। इसके लिए सबसे पहले हमने आलू लिए हैं, 3 कच्चे आलू को छील लिया है हमने यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 बड़ा कप आटे का लिया है, गेहूँ का आटा है। फिर हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का भी लिया है। उसके बाद हमने 1 कटोरी यहाँ पे हरा धनिया बारीक कटा हुआ लिया है। नमक लेंगे स्वाद अनुसार और 2 बड़े चम्मच तेल के लिए हैं। अब हम सबसे पहले आटा लगाएंगे, उसमें आटे में नमक डालेंगे, पानी डालेंगे और नॉर्मल आटा गूंद लेंगे, ना ज़्यादा कड़क गूंदेंगे ना ज़्यादा नरम गूंदेंगे। जब आटा अच्छे से गूंज जाएगा इसको हम ढक के छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अब हम आलू जो हमने कच्चे लिए हैं उसको काट लेंगे, छोटे छोटे पीस में काट लीजिए इनको। ये हमारे आलू कट चुके हैं। अब हम मसाला बनाएंगे। 1 कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल के गरम करेंगे। जब तेल अच्छा गरम हो जाएगा उसमें हम जो जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट है वो डाल के मीडियम हीट पे इसको भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। फिर हम इसमें आलू डालेंगे, कच्चे आलू जो हैं वो, और फिर हम इसमें नमक डालेंगे जिससे ये जल्दी पक जाए, और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। हम इसे भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे हम गैस। 1 से 2 मिनट हो जाए उसके बाद हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें गार्लिक अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम इसको ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे, जब तक आलू नरम नहीं हो जाते। 7 से 8 मिनट में पक जाते हैं आलू। ये देखिए हमारे आलू अच्छे भुन चुके हैं, ये पक भी गए हैं। अब हम इनको मैश करेंगे। इस तरह से पाव भाजी मैशर से कर लीजिए, नहीं तो आप अपने चम्मच के बैक पोर्शन से भी मैश कर सकते हैं या किसी कटोरी के मदद से भी कर सकते हैं। जब मैश हो जाए इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला और नमक का कॉम्बिनेशन बिठा के डालें क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। फिर हरा धनिया डाल के गैस बंद करेंगे और इसको मिक्स करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारा मसाला तैयार है। अब आटे को देखेंगे, आटा हमारा अच्छा हो चुका है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा घी भी लगा सकते हैं। अब हम एक छोटी बॉल तोड़ेंगे, उसको फ्लैट करके हम सूखे आटे में डस्ट करेंगे और इस तरह से चारों तरफ से फैलाते हुए हम इसको बीच से हॉलो करेंगे जिसमें हम मसाला भर सकें। साइड से इसको अच्छे से पतला करें। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच अच्छा मसाले का भरेंगे। आप इस तरह से कभी पराठा बनाएं तो आपका पराठा कभी फटता नहीं है। इस तरह से अंदर दबाते हुए चारों तरफ से उठाते हुए हम इसको पैक कर लेंगे। फिर इसको वापस से हम सूखे आटे पर डस्ट करेंगे और हम इसको चारों तरफ से अच्छे से बेल लेंगे। इसके कोनों में भी बेलें जिससे कोने मोटे ना रहे। अच्छे से चारों तरफ से बेलते हुए इसको पतला कर लीजिए। यह हमारा पराठा बेल के तैयार है। अब हम इसको सेकेंगे, उसके लिए हम तवा गरम करेंगे। तवा जब थोड़ा अच्छा गरम हो जाए तो उसमें पराठा डालेंगे और उसको 10 सेकेंड के लिए या फिर तब तक एक परत नहीं जम जाती तब तक हम इसको सेकेंगे। ये देखिए इस तरह से ये जब सिक जाएगा इसको पलट के हम ऊपर घी लगाएंगे। इसमें चारों तरफ अच्छे से घी लगा के पलट दीजिए। हमने यहाँ पे मीडियम हाई रख रखा है फ्लेम, यहाँ पे भी हम घी लगाएंगे और इसको पलट लेंगे और दबाते हुए सेकेंगे जब तक दूसरी तरफ से ये पूरा अच्छे से सिक नहीं जाता। ये देखिए ये अच्छा सिक चुका है इस तरफ। अब हम दूसरी तरफ भी इसको अच्छा दबाते हुए कोनों से चारों तरफ से सेक लेंगे। ये हमारा अच्छा सिक चुका है पराठा चारों तरफ से। हमारा तैयार है पराठा सर्व करने को।
ये पराठा तैयार है। आप इसको बटर के साथ हरी चटनी, लहसुन की चटनी या फिर किसी भी रायते के साथ सर्व करें। मैं आपको चटनी की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप रेफ़र कर सकते हैं रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।